दोस्तों विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। आज हम एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का फीचर्स ऑफ पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स, या फिर आप कहिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए वन डायमेंशन बॉक्स। जो पार्टिकल इन ए वन डी बॉक्स हम लोगों ने पढ़ा है उसके फीचर्स क्या हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस क्लास के अंदर। मतलब जो 1D बॉक्स का हमने डेरिवेशन किया है जिसमें हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है, क्या निकाला है हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 8ma2। एन की जो वैल्यूज है वो 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। ये वाली जो वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यू है, वो एन की वैल्यूज है, ठीक है। यहीं से शुरू कर रहा है कि भाई यहां पर पहले जो फीचर है, पहला जो फीचर है उसमें आपको बताना चाहता है, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये बताता है कि जो 1D बॉक्स हमने पढ़ा है उसकी जो एनर्जी है वो कैसी है, क्वांटाइज्ड है। वो कहता है कि एनर्जी जो है वो सीधी सीधी एन के ऊपर डिपेंड कर रही है और एन की वैल्यू फिक्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर जो एनर्जी बनेगी ना, जैसे ही एन की वैल्यू को आप 1 रखोगे तो एनर्जी जो बनेगी वो आपके पास बनेगी कितनी, एन की वैल्यू 1 के लिए एच स्क्वेयर बाय 8ma2, सही है। जैसे ही एन की वैल्यू होगी 1, फिर कहता है एन की वैल्यू जब 2 होगी तो जो एनर्जी होगी वो क्या बनेगी, एन की वैल्यू 2 के लिए एनर्जी बनेगी 4h² / 8ma2, सही है। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 3 होगी तो जो एनर्जी बनेगी वो क्या होगी, n बराबर 3 के लिए एनर्जी होगी 9h² / 8ma2। ये वैल्यूज होंगी किसकी, ये एनर्जी की वैल्यूज होंगी और ऊपर जाते हुए जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है। ऊपर जाते हुए जो एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है। ऊपर जाते हुए जो एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहला जो फीचर है वो इस एनर्जी के फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड करता है, और आप यहां पर देखोगे जो दूसरा फीचर है वो भी इसी फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा फीचर भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। शुरू करते हैं, पहला कहता है इन द एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स एन कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू। ये जो एक्सप्रेशन है पार्टिकल इन 1D बॉक्स में एनर्जी का, ये केवल और केवल एन पर डिपेंड कर रहा है, और एन की जो वैल्यू है वो कैसी है, वो इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। एन की जो वैल्यूज पॉसिबल है कैसी है, इंटीग्रल वैल्यूज ही पॉसिबल है। दैट मीन्स ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट, दैट इज एनर्जी इज क्वांटाइज। मतलब एनर्जी की कोई भी वैल्यू नहीं ली जा सकती पार्टिकल के द्वारा। मतलब जब एक पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर मूव कर रहा होगा इधर से इधर, इधर से इधर, तब वो जो पार्टिकल है इसका मतलब जब वो इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर सकती। जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि भाई एक पार्टिकल एनर्जी की कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है नहीं, वो हर वैल्यू अटेन नहीं कर सकता, वो केवल यही वैल्यू, या तो उसकी एनर्जी एच स्क्वेयर बाय 8ma2 होगी, उसके बाद जो उसकी पॉसिबल एनर्जी होगी वो क्या होगी 4h² / 8ma2, या फिर उसके बाद जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी 9h² / 8ma2। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है, क्वांटाइजेशन, जब डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जीज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, सही है। पहला तो हो गया ये, पहला क्या बता रहा है भाई, जो एनर्जी है इस बॉक्स की, इस पार्टिकल की, जब ये इस बॉक्स में मूव कर रहा है, जब एक पार्टिकल एक बॉक्स में लेफ्ट से राइट प्लस एक्स से माइनस एक्स मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। उसके बाद द इंटीजर एन इन एनर्जी एक्सप्रेशन, इस एनर्जी एक्सप्रेशन में ये जो एन है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जी ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। मैंने आपको डेरिवेशन करवाते हुए भी बताया था, जब मैंने आपको पार्टिकल इन बॉक्स का डेरिवेशन करवाया था उसके लिए सेपरेट क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, हमारी ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। अगर आपने पार्टिकल इन बॉक्स का डेरिवेशन नहीं देखा तो आप जरूर वहां से जाके देखिए, विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको पार्टिकल इन बॉक्स का कंप्लीट डेरिवेशन देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर जब देखेंगे तो आपको ये सब पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको सारी चीजें लगेंगी। तो पहले आप हमारा पार्टिकल इन 1D बॉक्स का डेरिवेशन देख कर आइए, ठीक है। अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है।
पहले में सिंपल बता रहा है एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होगी, दूसरे में कह रहा है कि जो इंटीजर एन है इस एक्सप्रेशन में इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तीसरे फीचर में बोल रहा है एज द क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेज द सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल सेपरेशन बिटवीन देम, देम का मतलब क्या है यहाँ पर, देम का मतलब यहाँ पर है एनर्जी लेवल्स, देम का मतलब क्या है सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो दो एनर्जी लेवल हैं इनके बीच में कितनी स्पेसिंग हो रही है और फिर इनके बीच में कितनी स्पेसिंग हो रही है आप देखोगे ध्यान से तो आप यहाँ पर पाओगे, देखो जरा 9 में से 4 गया ये बन जाएगा 5h² / 8ma² बोलो यार सही बोल रहा हूँ ना। इधर देखिए अब यहाँ देखो भाई 4 - 1 ये क्या बनेगा 3h² / 8ma² अगर आप आगे गैप देखोगे तो वो 7 हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा। मतलब बोलना चाहता है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे इस n की वैल्यू बढ़ रही है जो एनर्जी गैप है लेवल्स के बीच में, ये ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड, ये जो गैप है ग्राउंड के बीच में इतना है, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। एन की जब बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो दो लेवल के बीच में गैप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। वही बोल रहा है एज द क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्वांटम नंबर एन जो है वो बढ़ेगा द सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, आप इसकी जगह एनर्जी लेवल शब्द यूज कर सकते हो, सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेस एंड ऑल्सो द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल डिपेंड अपॉन, सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स डिपेंड अपॉन, जो एनर्जी लेवल की सेपरेशन है वो खुद डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑल्सो द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल डिपेंड अपॉन द बॉक्स लेंथ, जो सेपरेशन है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है भाई आपकी लेंथ के ऊपर, बॉक्स की लेंथ कितनी है। यहां पर लिख रहा है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है स्पेसिंग बढ़ती चली जाती है। फिर लिखता है ऑल्सो द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल डिपेंड अपॉन द बॉक्स लेंथ ए, ठीक है जो ये सेपरेशन है ये बॉक्स की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। देखो भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो डेल्टा ई एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लेवल ई एन प्लस वन माइनस ई एन, यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा एन प्लस वन एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर, यही बनेगा भाई, ठीक है। माइनस क्या लिखूंगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर, जब आप इन दोनों को घटाओगे तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन हो जाएगा तो क्या बचेगा एन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद एन स्क्वेयर तो एन स्क्वेयर से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2n + 1 बचेगा, तो ये जो स्पेसिंग आएगी दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू ये बनेगा 2n + 1 एच स्क्वेयर बाई 8ma², जो स्पेसिंग है वो लेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो स्पेसिंग है जो दो लेवल्स के बीच में स्पेसिंग है वो एन के साथ तो सीधा रिलेशन रखती है, मतलब एन बढ़ेगा तो स्पेसिंग बढ़ेगी, और वो जो लेंथ है जो बॉक्स की लेंथ है ए क्या है यहां पर, ए यहां पर इस बॉक्स की लेंथ की बात कर रहा है 0 से a, इस बॉक्स में पार्टिकल मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट, ये हमने कंसिडर किया था भाई, जो लेंथ है उसके ऊपर जो पार्टिकल इन बॉक्स है उसकी जो एनर्जी सेपरेशन है लेवल्स की वो इनवर्स रिलेशन रखती है, इनवर्सली डिपेंड करती है। फिर आगे लिखता है लेंथ ऑफ द बॉक्स इंक्रीजेस एनर्जी लेवल मूव क्लोजर टू ईच अदर, मतलब जो एनर्जी स्पेसिंग है दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल के बीच में उसका लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो जैसे ए बढ़ेगा डेल्टा ई जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब एनर्जी लेवल क्लोज आ जाएंगे, अगर मतलब बॉक्स की जो लेंथ है अगर बॉक्स बड़ा है अगर पार्टिकल एक बड़े रीजन में मूव कर रहा है ठीक है, इसका मतलब जो स्पेसिंग है वो क्या होगी कम होती चली जाएगी। अगर पार्टिकल एक छोटे से रीजन में मूव कर रहा है, रीजन बहुत ही छोटा है, तो जो स्पेसिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, यहीं पर यही लिखना चाहता है द स्पेसिंग ऑफ एनर्जी लेवल द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल डिपेंड अपॉन द बॉक्स लेंथ ए, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बॉक्स की लेंथ ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, एज ए इंक्रीजेज जैसे जैसे ए बढ़ेगा लेंथ ऑफ द बॉक्स इंक्रीजेज एनर्जी लेवल मूव क्लोजर टू ईच अदर, एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्या आते चले जाएंगे क्लोज आते चले जाएंगे, डेल्टा ई घटता चला जाएगा, यही लिख रहा है
एज ए इंक्रीजेज डेल्टा ई डिक्रीजेज। आई थिंक आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए पहले में कहता है जब पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर मूव करेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी क्वांटाइज्ड होगी, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी पॉसिबल होंगी। दूसरे में कहता है यहाँ पर जो एन लिखा जा रहा है ना, वो एन को हम ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरे में कहता है भाई जैसे जैसे एन बढ़ेगा स्पेसिंग बढ़ेगी, सही बात है, लेकिन जैसे जैसे ए बढ़ेगा ना तो स्पेसिंग घटती चली जाएगी, मतलब एन के बढ़ने से तो लेवल दूर होते चले जाएंगे लेकिन ए के बढ़ने से लेवल पास आते चले जाएंगे, ए के बढ़ने से लेवल क्या हो जाएंगे, क्लोज आते चले जाएंगे। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। देखिए आगे लिखता है नेक्स्ट, अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई जब लेंथ बढ़ेगी तो लेवल क्लोज आ रहे हैं, लेवल क्लोज आने का मतलब क्या, जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लेवल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। अरे भाई है ना, जब लेंथ दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो लेवल जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के अंदर मर्ज होने को हो जाएंगे। जब मर्ज होने को हो जाएंगे इसका मतलब जो डिस्क्रीटनेस है, मतलब जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं एनर्जी की, वो पास आ जाएंगी बहुत। जब ये बहुत पास आ जाएंगी तो डिस्क्रीटनेस जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब क्वांटाइज्ड बिहेवियर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब ए की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जब ए की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो जो डेल्टा ई है वो नियर अबाउट जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। यहां पर लिख रहा है एज ए बिकम वेरी लार्ज, जैसे जैसे ए की जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, डेल्टा ई बिकम स्मॉल एंड स्मॉलर, जैसे जैसे ए बिकम लार्ज, डेल्टा ई बिकम राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही आज, बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि यहां पर जगह थोड़ी सी कम बची हुई है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब यहां पर कहना जैसे जैसे ए बढ़ेगा जो लेंथ है अगर वो बढ़ेगी तो जो डेल्टा ई है वो कम होता चला जाएगा, जब ए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा ई मतलब नियर अबाउट जीरो हो जाएगा, लेवल मर्ज कर जाएंगे एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे लेवल, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे दो अलग अलग लेवल्स को। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं हम, इस बिहेवियर को कहते हैं क्लासिकल बिहेवियर। क्लासिकल मैकेनिक्स भी तो यही कहती है भाई कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है, जब बहुत सारे लेवल मर्ज हो जाएंगे तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, जब कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी मतलब बिहेवियर कैसा आ जाएगा, क्लासिकल बिहेवियर आ जाएगा। कैसा बिहेवियर आ जाएगा बच्चों, क्लासिकल बिहेवियर आ जाएगा, और इसे कहा जाता है बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, गिवन बाय किसने दिया था, बोहर ने दिया था। यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि भाई जब क्वांटम नंबर एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो लेवल मर्ज कर जाएंगे। ओके, जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब लेंथ बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या कि जो बाउंड्रीज हैं वो रिमूव हो रही हैं, बाउंड्रीज बहुत दूर जा रही हैं। भाई मतलब पहले आपका पार्टिकल केवल इस रीजन में मूव कर रहा था, अब आपका जो पार्टिकल वो बहुत बड़े रीजन में मूव कर रहा है, मतलब बाउंड्रीज दूर दूर है। जैसे जैसे बाउंड्रीज दूर होती चली जाएंगी, बाउंड्री खत्म होने की तरफ जाएंगी, वैसे वैसे क्वांटाइजेशन भी खत्म होता चला जाएगा, और जैसे जैसे क्वांटम नंबर एन बढ़ता चला जाएगा तो भी जो क्वांटाइजेशन है वो खत्म होता चला जाएगा। यहाँ पर वही लिख रहा है, और यही क्या था, बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल था। इन्होंने कहा था जब आप बाउंड्रीज रिमूव कर दोगे या फिर क्वांटम नंबर जब बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर आप छोटी भाषा में समझिए जब लेवल्स के बीच में स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, लेवल मर्ज कर जाएंगे, उस टाइम क्वांटम मैकेनिक्स वही रिजल्ट देगी जो कौन देता है, क्लासिकल मैकेनिक्स देती है, सही है। देखिए एज द लेंथ ऑफ बॉक्स इंक्रीजेज क्वांटाइजेशन डिसअपीयर, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी क्वांटाइजेशन खत्म होता चला जाएगा, लेवल एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे, मर्ज होना शुरू कर देंगे, एंड देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटम बिहेवियर टू क्लासिकल बिहेवियर। जो पार्टिकल का बिहेवियर है वो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ना रहकर क्लासिकल मैकेनिकल बिहेवियर की तरफ जाना शुरू कर देगा, और इसे क्या कहते हैं, बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे किसने दिया था, जिसे बोहर ने ही दिया था। बोहर ने कहा था
हर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एक लिमिट के बाद क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मर्ज कर जाएगा, मतलब वही बिहेवियर शो करेगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स शो करती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी, मतलब ये क्या कहता है भाई कि भाई जीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करती है, मतलब पार्टिकल के पास जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है ना वो जीरो के बराबर नहीं होती। हम क्या कहते हैं भाई, जीरो केल्विन के ऊपर, आपने सुना भी होगा शायद थर्मोडायनेमिक्स में या फिर बाकी जगह पर, अगर आपने नहीं सुना है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, थर्मो के भी काफी लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो हमारा ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। ठीक है, जीरो केल्विन के ऊपर जो सारे के सारे मोशन है वो रुक जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, जब सारे मोशन रुक जाएंगे इसका मतलब क्या कह दिया जाता है, जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा आपको क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा आपको क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। लेकिन यहां पर हमें क्या पता चला कि भैया जो एन की लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो वन हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू वन के ऊपर e1 क्या होगा, ये होगा h स्क्वेयर बाय 8ma स्क्वेयर, और इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, जो जीरो के बराबर नहीं है। मतलब क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है वो जीरो के बराबर नहीं होती, वो क्या होती है, नॉन जीरो ही होती है। क्वांटम मैकेनिकल जो पार्टिकल है उसकी जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है वो क्या होती है, नॉन जीरो ही होती है, जीरो के बराबर कभी भी नहीं होती है। समझ में आ गया, यही कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वन, एन की सबसे छोटी वैल्यू वन है, क्योंकि जीरो तो हमने क्या कहा, अलाउड नहीं बताया, क्योंकि फंक्शन वेल बिहेव नहीं रहता बोला हमने। उसके बाद दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, यहाँ पे चर्चा कर रहा है किसके बारे में, जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में, यहां पर चर्चा कर रहा है जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में, शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आगे कहता है दिस मीन्स दैट पार्टिकल इन द बॉक्स इज नॉट एट रेस्ट इवन एट जीरो केल्विन, मतलब अगर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा ही रह रही है, इसका मतलब पार्टिकल कभी भी रेस्ट पर नहीं होता, भले ही आप बात करिए जीरो केल्विन के ऊपर, जीरो केल्विन के ऊपर भी जो पार्टिकल है वो रेस्ट के ऊपर नहीं रहता है, वो रेस्ट के ऊपर नहीं रहता, वो हमेशा किस में रहता है, मोशन में रहता है। चाहे आप टेम्परेचर कितना ही कम कर लीजिएगा, एक क्वांटम मैकेनिकल जो पार्टिकल हो हमेशा किस में रहता है, मोशन। मतलब एनर्जी होने का मतलब क्या, वो मोशन में है भाई, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो मानकर चल रहे हैं भाई। मैं आपको बता देता हूँ, जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, ये सारी की सारी एनर्जी कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी ही होती है, क्योंकि हम पोटेंशियल को तो क्या मानकर चल रहे हैं, जीरो ही मानकर चल रहे हैं। ध्यान रखना, आपको क्लासेस में ये बातें बताई नहीं जाती होंगी शायद, मुझे नहीं पता, बताता है नहीं, लेकिन ये जो सारी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती इसमें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम जीरो मानकर चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। सो दस द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइन एंड हेंस मोमेंटम, कहता है कि जब पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, मोशन में हमेशा रहता है, तो उसकी पोजीशन को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, और हेंस मोमेंटम को भी प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर कहता है ये जो जीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करती है, प्रूव करती है कि भाई जब पार्टिकल मोशन में रहेगा तो वो, जब पार्टिकल मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वो मूव कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो उसके एक टाइम के ऊपर पोजीशन बताई नहीं जा सकती प्रिसाइजली, है ना, फिर मोमेंटम भी नहीं बता सकते, और यही तो क्या कहता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। दोस्तों विज्ञान वृक्ष चैनल के ऊपर भारत में पहली बार बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आप बीएससी के छात्र या छात्रा हैं, बीएससी के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखिए आपके कंप्लीट सेमेस्टर का, चाहे आपका पहला सेमेस्टर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, पांचवा या छठा, कोई भी सेमेस्टर आपका हो, आप विज्ञान वृक्ष ऐप को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से डाउनलोड करिएगा। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा, और फिर आप कॉलेज और सेमेस्टर के थ्रू अपना कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं, सही है। उसके बाद पहला तो ये हो गया कि भाई आपका जो बीएससी का कंप्लीट कोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है।
दूसरा, अगर आप मास्टर्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो CUET PG का भी कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज ने पढ़ाया है। ऐसी फैकल्टीज जो IITs से MSc कर चुकी हैं पहले, जिनका नेट, JRF और गेट जैसे एग्जाम जो हैं क्वालिफाइड हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा जिंदगी में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं और आप बहुत अच्छी जगह से MSc करना चाहते हैं, तो हमारे पास IIT JAM का भी जो कोर्स है वो अवेलेबल है। IIT JAM, जैसे यहाँ पर आपका ये MSc एंट्रेंस होता है CUET PG, वैसे ही IIT JAM भी एक MSc एंट्रेंस होता है, पर IIT JAM के थ्रू आपको जो MSc करने का मौका मिलता है वो IIT से मौका मिलता है, ठीक है भाई। तो वो एक थोड़ा सा प्रीमियम सा एग्जाम कहा जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास CSIR NET और IIT GATE के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। CSIR NET का जो कोर्स है उसके थ्रू आपको PhD करते हुए फेलोशिप मिलती है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भारत में कहीं भी एलिजिबल हो जाते हो। जो गेट का कोर्स है उसके थ्रू आपको PSUs में ऑफिसर लेवल फर्स्ट क्लास की जॉब मिलती है और आपको IIT से MTech करने का मौका मिलता है, वहां पर भी आपको फेलोशिप मिलेगी या फिर आपको PhD करते हुए भी फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, आप जाकर किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। ऐप जो है वो आईफोन स्टोर के ऊपर भी है, ऐप स्टोर के ऊपर भी है और प्ले स्टोर के ऊपर भी है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे सेशन के साथ, ये रहा भाई नेक्स्ट। लास्ट कहता है नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कब जो पार्टिकल की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, नॉन क्वांटाइज हो जाएगी, मतलब कल कब जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट ना रहकर लेवल मर्ज कर जाएंगे। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो कब जो पार्टिकल है वो क्वांटाइज बिहेवियर को फॉलो नहीं करेगा, बता देता हूं भाई। देखिए, इफ द वॉल ऑफ द बॉक्स आर रिमूव्ड, अगर बॉक्स की जो दीवारें हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं भाई, जो पार्टिकल है ना वो इस रीजन में ही मूव करेगा, केवल और केवल इस रीजन में मूव करेगा, जीरो से ए में, ठीक है। अगर मैं दीवारें ही हटा दूं तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल फिर क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा हर जगह भाई, पार्टिकल फिर क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। और जब हमने पार्टिकल इन बॉक्स का डेरिवेशन किया था तो वहां पर हमने लिखा था साई बराबर ए साइन के एक्स, ऐसा ही लिखा था शायद आपको याद हो। फिर मैंने कहा था कि भाई एक्स बराबर ए बाउंड्री के ऊपर जो ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर ये कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, साइन के एक्स को जीरो किया था, आप हमारा कंप्लीट डेरिवेशन देख सकते हो। फिर हमने इसको जीरो बताया, फिर हमने क्या कहा भाई, ये तो क्या होगा, ये तो साइन एन पाई होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो एन है ना, इसी की वजह से क्वांटाइजेशन आ रहा है, इसी की वजह से क्या आ रहा है, क्वांटाइजेशन आ रहा है। और ये जो n है ये कहां से आ रहा है, वो इस बाउंड्री की वजह से आ रहा है। अगर मैं ये बाउंड्री कंडीशन ना लगाता तो कभी भी n ना आता, n नहीं आता तो हम किसी को ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर ही ना कहते। अगर आपने हमारा डेरिवेशन नहीं देखा है तो विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर जाकर आप डेरिवेशन को जरूर देख लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन वहां पर करवाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, मतलब ये जो क्वांटाइजेशन है ना, ये कब तक है, जब तक बाउंड्री कंडीशन है, जब तक बाउंड्री है तभी तक है। जैसे ही बाउंड्री हटाई, जैसे ही बाउंड्री हटा दी, क्वांटाइजेशन खत्म हो जाएगा। जो डिस्क्रीट लेवल एग्जिस्ट कर रहे थे, अब वो लेवल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों समझ में आ गया, शायद मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो आपको एग्जाम में लिखना है वो भी लिखा हुआ है, और ये कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि कब जो है वो पार्टिकल जो है क्वांटाइज बिहेवियर शो नहीं करेगा। एक तो कब, जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा यहाँ पर बोल रहा है इफ द वॉल ऑफ द बॉक्स आर रिमूव्ड द पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन ए फील्ड हुज पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हैव नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब जैसे ही जो बॉक्स है उसकी बाउंड्रीज को हटा दिया जाएगा, पार्टिकल फ्रीली इधर से उधर कहीं भी मूव कर पाएगा। आगे कहता है देन द बाउंड्री कंडीशन आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, जैसे ही वॉल ऑफ द बॉक्स को रिमूव किया जाएगा, बाउंड्री कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। सो बाउंड्री कंडीशन आर नो लॉन्गर अवेलेबल। तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि भाई जो के एक्स की वैल्यू है, जो के एक्स है वो किसके बराबर होगा, यहां से हम क्या बोल रहे थे, जो के एक्स है वो एन पाई के बराबर होगा। क्यों, के ए, क्योंकि यहां पर हमने बाउंड्री रखी थी। अगर बाउंड्री ही ना हो तो k की कोई भी वैल्यू क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है।
या फिर जो कांस्टेंट ए आया है या फिर जो कांस्टेंट बी आया है, इसका सॉल्यूशन तो यही आया था बी कोस के एक्स। जब एक्स बराबर जीरो रखा तो ये वाली टर्म खत्म हो गई थी। डेरिवेशन में करवाया गया है, कंप्लीट डेरिवेशन आपको हमारी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, वहां पर आप देखोगे एक्स बराबर जीरो होने से बी जीरो हो गया था, एक्स बराबर ए होने से हमारे पास के की वैल्यू एन पाई बाय ए आ गई थी, आप जाकर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर बाउंड्री हट जाएंगी तो ना तो बी जीरो होगा, मतलब बी भी जीरो नहीं हो सकता, बी की भी कोई वैल्यू हो सकती है, ए की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि अब बाउंड्री है नहीं, और जो के है उसकी भी कोई वैल्यू हो सकती है, और कोई भी फ्री पार्टिकल है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है के स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय एट पाई स्क्वेयर एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय एट पाई स्क्वेयर एम। के कैन हैव एनी वैल्यू। अब जो के की जो वैल्यू है ना वो इंटीजर फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, मतलब के कोई 0.1 0.0001 0.2 0.3 कुछ भी 1/2 1/3 1/4 1/5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जब कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो जो फ्री पार्टिकल है वो हर वैल्यू ऑफ एनर्जी को अटेन कर सकता है, मतलब अब डिस्क्रीटनेस का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। क्या होता है अब जो है वो कॉन्टिनम स्पेक्ट्रम आ जाएगा, कॉन्टिनम आ जाएगा मतलब क्लासिकल बिहेवियर पार्टिकल का आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद एज द कॉन्स्टेंट के कैन हैव एनी वैल्यू द एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल इज नॉट क्वांटाइज्ड। जैसा कि ये के है ये कोई भी वैल्यू ले सकता क्योंकि अब बाउंड्री नहीं है, जब के कोई वैल्यू नहीं ले सकता और कोई बाउंड्री नहीं है तो ये जो एनर्जी है पार्टिकल के क्वांटाइज ना रहकर क्या हो जाएगी, नॉन क्वांटाइज्ड हो जाएगी। मतलब आप सीधा सीधा यहां देखिए, क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। मैं इसको शॉर्ट भाषा में लिखवाऊं, क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। क्वांटाइजेशन जो है वो बाउंड्री कंडीशंस का ही रिजल्ट है, क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। जब तक बाउंड्रीज रहेंगी तब तक ही क्वांटाइजेशन रहेगा, जैसे ही बाउंड्री हट जाएंगी क्वांटाइजेशन भी हट जाएगा। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने हमारी पार्टिकल इनबॉक्स की दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आपने अगर 1D का डेरिवेशन नहीं देखा है तो उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना, पहले आप वो जाकर देख कर आइए ताकि आपको ये सब कुछ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं एंड करता हूं। अगर आपको क्लास में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, 5% भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, हालांकि मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा ही समझ में आया होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लगा है तो आप ज़रूर इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को अपने कॉलेज के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपका कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये सारी जो PDF है मिल जाएंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर।